माँ की ममता और भड़काने वाली बहू। महतपुर नाम का एक गांव छोटी सी नदी के किनारे स्थित था। वहां पर रमन नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ कविता के साथ रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। जब वो छोटा था तभी उसके पिताजी की मौत हो गई। आजा बेटा, नाश्ता कर ले, फिर तुझे स्कूल भी तो जाना है, देरी हो रही है, मुझे भी बहुत काम है। बेटा मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मुझे ये सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, मुझे दूध के साथ रोटी खानी है। बेटा वो तो हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा रुक, अभी पड़ोस के सेठ जी के यहाँ जाकर देखती हूँ, उनके पास हमेशा दूध होता है। वो पड़ोस के सेठ जी के पास जाती है और कहती है, सेठ जी मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? मेरा रमन बिना दूध के रोटी नहीं खा रहा है, मुझे रोज एक गिलास दूध दे दिया करो। इसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। बिट्टू की माँ अक्सर बीमार रहती है और हम काम के लिए एक बाई की तलाश कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, दोपहर को मेरे घर का काम कर दिया करना और उसके बदले मैं तुम्हें एक गिलास दूध रोज दे दिया करूँगा और कुछ रुपए भी दे दूँगा। ठीक है सेठ जी। इसी तरह कविता सेठ जी के घर में रोज काम करके कुछ रुपए और एक गिलास दूध ले लिया करती थी। कविता दिन भर मजदूरी करती और जब मजदूरी नहीं मिलती तो गांव में जिस किसी का भी काम मिलता था तो वो कर लेती थी। रमन को वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और अच्छा खाना खिलाती और स्कूल भी पढ़ाती थी। तुम कितनी कमजोर हो गई हो माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी काम करने नहीं दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके रुपये लाएगा और मैं रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। अच्छा माँ, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। कविता रमन को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। रमन आराम से सो जाता था। किसी किसी दिन ऐसा होता कि खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो कविता खाना नहीं खाती और रमन को ही खाना खिला देती थी। माँ आओ मेरे साथ खाना खा लो। बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी, मुझे शायद बदहजमी हो गई है, खाने से और भी तकलीफ बढ़ जाएगी। कविता पानी पीने के लिए जाती है, रमन अपने लिए सब्जी परोसने के लिए जाता है तो वो खाली बर्तन देखकर कहता है, अरे ये तो खाली है, अब समझा माँ के लिए खाना ही नहीं बचा है, जो कुछ था उन्होंने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही हैं ताकि मुझे पता न चले और मैं आराम से खा लूं। रमन की आंखों में आंसू भर आते हैं। इन्हीं मुसीबतों के साथ रमन बड़ा हो जाता है। उसके शहर में नौकरी लग जाती है और वो अधिकारी बन जाता है। उसके बाद उसकी शादी ज्योति नाम की लड़की से हो जाती है। कविता भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है। बहू ज्योति कविता का जीना हराम कर देती है, उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाती थी और रमन के कान भी भरती थी। मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रखरखाव रखा करो, आखिर आप एक अधिकारी हैं, तो आपसे मिलने वाले लोग आते हैं, इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने कोई नौकरानी रख रखी है, ये हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती रहती हैं। तुम ठीक कह रही हो, हमारा स्टैंडर्ड है और माँ उसको गिराने में लगी हुई है। इससे अच्छा यही है कि ये गाँव में जाकर ही रहे। माँ आप गाँव में रहो, मैं हर महीने आपको खर्चा भेज दिया करूँगा। बेटा अगर मेरे रहने से तुम्हें तकलीफ है तो मैं गांव में रह लूँगी, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी, जब तक मेरे हाथ सलामत हैं तब तक मैं कमा कर ही खा लूँगी। इतना कहकर कविता अगले दिन गांव वापस लौट जाती है। अचानक एक दिन रमन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ज्योति मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, अब मेरी जिंदगी का अंत समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दे नहीं बदले गए तो मेरी मौत हो सकती है। वो पूरी कोशिश करता है, रिश्तेदार दोस्त सबसे कहता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं से नहीं मिलता, ना ही कोई दानकर्ता मिलता है। अचानक एक दिन दानकर्ता उसको अपना गुर्दा दान कर देता है जिससे उसका ऑपरेशन हो जाता है। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद रमन ठीक होकर अपने घर वापस लौट जाता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति उससे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार, तुम्हारी माँ तुम्हें देखने तक नहीं आई। इन बातों से रमन अपनी माँ से बहुत ही नफरत करने लगा था। वो कभी भी गांव अपनी माँ से मिलने नहीं जाता था। एक दिन गांव से उनके पड़ोसी किशन का फोन आया। हेलो सुनो रमन, तुम्हारे घर से बहुत बदबू आ रही है, मकान बंद है, जल्दी यहाँ पर पहुँचो। शाम को ही रमन गांव पहुँच जाता है। वो अपने गांव के घर में जाकर देखता है कि बंद मकान के भीतर उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है।
शायद इन्हें मरे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार हो रही थी, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो स्वाभिमानी थी, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो और तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। रमन अपनी माँ का संस्कार करके आता है तो गाँव वाले कहते हैं, रमन हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारे खातिर तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी मजदूरी की है और कभी भी अपने शरीर का खान पान का ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए और ऐसा कौन करता है। तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया और कोई माँ होती तो तुमको देखने तक नहीं आती, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने दोनों गुर्दे दे दिए। ये बात सुनकर रमन बहुत चौंक गया। मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो वो तुम्हें देखने नहीं जा सकी। उन्होंने डॉक्टर से कह दिया था कि रमन को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ, नहीं तो वे ये सब सुनकर मेरा गुर्दा नहीं लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, जीकर क्या करूँगी। ये सब सुनकर रमन की आँखों में आंसू बहने लगे। वो बहुत पछताता रहा। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ किया है। जिस माँ ने मेरे लिए अपना सुख नहीं देखा, उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया जब वो बचपन में अपनी माँ से कहता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे कमा कर खिलाएगा। ऐसा सोचकर वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मुझे माफ कर देना माँ। अब हो भी क्या सकता था, रमन बहुत पछता रहा था। फिर वो अपने घर वापस लौट जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो रमन, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में भड़काया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर ज्योति भी रोने लगती है। मुझे माफ कर दो रमन, मैं बहू कहलाने के लायक नहीं हूँ। इसके बाद रमन ज्योति को माफ कर देता है और वो लोग अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई दो बेड की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। सुनीता बिहार के पटना जिले में अपने माता और पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सुनीता के पिता की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी। सुनीता की माँ बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करके कुछ पैसे कमाती थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। सुनीता बचपन से ही छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती थी। वो लोग जमीन पर सोया करते थे। एक दिन सुनीता अपने दोस्त पलक के जन्मदिन पर उसके घर गई थी। पलक बहुत ज्यादा अमीर थी और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। रात को काफी समय हो गया और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनीता को अब चिंता होने लगी कि वो घर कैसे जाएगी। पलक, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इतनी तेज बारिश में जाना तो बहुत ही मुश्किल है। अरे तो चिंता क्यों कर रही है, यही रुक जा आज रात। और रही बात तेरे मम्मी पापा की, तो उन्हें फोन करके बता दे। वैसे भी तुझे इतने अच्छे बेड पर सोने का रोज रोज मौका थोड़ी ना मिलेगा। सुनीता अपनी माँ को फोन करके बताती है कि आज रात वो घर नहीं आ सकेगी। उस रात सुनीता पलक के घर पर ही रुकती है। पलक सुनीता के गरीबी का बहुत मजाक बनाया करती थी। वो हमेशा सुनीता को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। ऐसे ही जब सभी रात को खाना खा रहे थे तो पलक सुनीता से कहती है, अरे सुनीता तुम और लोगी क्या कुछ? नहीं नहीं पलक, बस मेरा पेट भर गया। अरे खा लो, इसके बाद पता नहीं तुम्हें कभी अच्छा खाना मिलेगा भी या नहीं। वैसे तुमने तो आज तक कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा ना। सुनीता पलक की बात सुनकर निराश हो जाती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। पलक सुनीता को अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है, सुनीता तुम एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ। इसके बाद तुम्हें ऐसे बेड पर सोने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरा क्या है, मैं तो रोज ही सोती हूँ, आज मैं सोफे पर सो जाऊंगी। पलक एक बार फिर से सुनीता को नीचा दिखाती है। सुनीता पलक का कोई जवाब दिए बिना ही बेड पर लेट जाती है।
सुनीता को बेड पर लेटकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन सोचती है, काश कि मेरे पास भी कोई बेड होता। पलक सही ही तो कह रही है, मैं आज तक कभी भी ऐसे बेड पर नहीं सोई। सुनीता को उस रात बहुत अच्छी नींद आई थी। वो अगले दिन घर जाकर अपनी माँ से बेड की बहुत तारीफ करती है। माँ, तुम्हें एक बात पता है, मैं पलक के घर पर बेड पर सोई थी। कल मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, आज से पहले इतनी अच्छी नींद मुझे कभी भी नहीं आई। सुनीता की माँ सुनीता को एक टक देखी जा रही थी और सोच रही थी, काश मैं अपनी बच्ची को हमेशा इतना खुश देख पाती, काश मैं भी अपने घर में कोई अच्छा सा बेड ला पाती। सुनीता की माँ सोच लेती है कि वो खेतों में कड़ी मेहनत करके घर में सुनीता के लिए एक बेड लेकर आएगी। कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद सुनीता की माँ कुछ पैसे इकट्ठा करती है। उन पैसों को लेकर जब वो एक दुकान में बेड खरीदने जाती है, भाई साहब मुझे अपनी बेटी के लिए एक बेड खरीदना है, कितने का होगा? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल आपको बेड मिलेगा। आइए, कौन सा बेड दिखाऊं आपको? आपको यहाँ पर हमारे यहाँ 15,000 से लेके 50,000 तक के बेड हैं। आपको जो भी पसंद आता है आप ले सकती हैं। क्या इतना महंगा? पर मेरे पास तो अभी सिर्फ 10,000 ही रुपए हैं। आप मुझे 10,000 में बेड दे दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपए बहुत जल्द चुका दूंगी। क्या हमारे पास उधार नहीं चलता है? आपके पास अगर पूरे पैसे नहीं है तो हम आपको बेड नहीं दे पाएंगे, आप कहीं और जाइए। कृपया करके दे दीजिए, मैं कड़ी मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। नहीं नहीं, जब आपके पूरे पैसे हो तभी आना दुकान में, हमारे यहाँ कोई खजाना नहीं लगा हुआ है जो मैं आपको उधार देता रहूं। जाओ यहाँ से। ये सुनकर सुनीता की माँ उदास होकर घर की तरफ चलती है। सुनीता की माँ रास्ते पर चलते चलते यही सोच रही थी कि वो बेड कैसे खरीदेगी। यही सोचते सोचते सुनीता की माँ रास्ता भटक जाती है। वो चलते चलते एक जंगल में चली जाती है। हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? सुनीता की माँ वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उसके पास एक अजीब सी दिखने वाली जादूगरनी आती है। वो सुनीता की माँ से पूछती है, क्या हुआ? तुम कहाँ से आई हो और तुम रो क्यों रही हो? सुनीता की माँ जादूगरनी को सारी बातें बताती है। जादूगरनी सुनीता की माँ से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ, तुम्हारी सारी परेशानियाँ उससे दूर हो जाएगी। जादूगरनी सुनीता की माँ को एक जादुई बेड देती है और बोलती है, ये है तुम्हारा तोहफा, इसे तुम साधारण बेड मत समझना, तुम इस पर लेटकर जो भी कहोगी वो बात सच हो जाएगी। सुनीता की माँ बेड देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही बेड था जैसा बेड सुनीता को चाहिए था। सुनीता की माँ बेड पर लेटकर बोलती है, मुझे मेरे घर ले चलो। वो बेड सुनीता की माँ को घर ले जाता है। घर जाने के बाद सुनीता की माँ सुनीता को बुलाती है। सुनीता बेड देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है, आप ये बेड कहाँ से लाई? सुनीता की माँ सुनीता को सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि ये कोई साधारण बेड नहीं बल्कि जादुई बेड है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। सुनीता की माँ बेड पर लेटकर बोलती है, मेरे पति को ठीक कर दो। सुनीता की माँ के इतना कहते ही सुनीता के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी तरह वे लोग कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाते हैं। जब ये बात पलक को पता चलती है तो वो जलकर राख हो जाती है। वो सुनीता के घर जाती है और सुनीता से कहती है, सुनीता अचानक से तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कोई लॉटरी लगी है क्या? सुनीता पलक को सारी बातें बताती है। पलक मन ही मन उस जंगल में जाकर उस जादूगरनी से मिलने की सोचती है। अगले दिन पलक उस जंगल में चली जाती है और जादूगरनी को आवाज लगाती है, जादूगरनी, ओ जादूगरनी। पलक की आवाज सुनकर जादूगरनी वहाँ प्रकट होती है। पलक जादूगरनी से बहुत ही बदतमीजी से बोलती है, देखो मुझे सेम वैसा ही जादुई बेड चाहिए जैसा तुमने सुनीता की माँ को दिया है,
उसके बदले तुम्हें मुझसे जितने पैसे चाहिए तुम ले लेना, लेकिन अभी की अभी मुझे दूसरा सेम वैसा ही बेड चाहिए। ठीक है, तुम मुझे उस बेड के बदले अपनी पूरी संपत्ति दोगी। पलक बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी संपत्ति जादूगरनी के नाम कर देती है और उससे दूसरा जादुई बेड ले लेती है। पलक जादुई बेड हासिल कर बहुत खुश थी। वो जादुई बेड पर लेटकर बोलती है, मेरी सारी संपत्ति जादूगरनी से वापस मिल जाए। उसके इतना कहते ही पलक के ऊपर पत्थर की बारिश होने लगती है। पलक पत्थरों से बहुत घायल हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर ना सकी और पत्थरों के नीचे दबकर अपनी जान गवा बैठी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी फेरी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।